हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैभी काउंटी क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीसी क्लास 10th सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन बेसिक्स। ओके, ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया दिया है, पार्ट 3 में हमने थियोरी किया है, उसी पार्ट 3 का थियोरी का जो कंटिन्यूशन है वो है। तो इसमें हम सीखने वाले हैं टोकन्स की, एक्चुअली टोकन्स क्या होते हैं। ओके, एंड टोकन्स में अगर हम बात करें कि टोकन्स होते क्या हैं, तो यहाँ पर टोकन टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पाइथन। इट इज आल्सो नॉन एज लेक्सिकल यूनिट। अगर दूसरे नाम की बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेक्सिकल यूनिट। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल भी आते हैं, फंक्शंस भी आते हैं, कीवर्ड्स भी आते हैं, तो ऐसे काफी बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं, एक प्रोग्राम बन जाता है, राइट? तो इसी टाइप से यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्रोग्राम्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, असाइन कर दिया है टोकन्स। अब टोकन्स के बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टोकन्स, तो टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को वैसे मैं अभी थियोरेटिकली पूरा डिफाइन करूंगा कि क्या है कीवर्ड, एंड आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। और इन सबको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट की है, जिसे आप याद रख सकते हो किलोप नाम से। मतलब किलो तो हम नॉर्मली किलोज यूज करते हैं, तो किलोप लास्ट में बस पी याद रखना है। तो के फॉर आइडेंटिफायर, एल आई फॉर आइडेंट सॉरी के फॉर कीवर्ड, आई फॉर आइडेंटिफायर, एल फॉर लिटरल, ओ फॉर ऑपरेटर, पी फॉर पंक्चुएटर्स। ओके, अब ये क्या क्या होते हैं यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने ये एक लाइन लिखा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई 5 एंड सेमी कॉलन। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया जिससे कि आपको दिखाई दे, ऐसा करते हैं। और स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक शानदार टिप देना चाहता हूँ। तो आप एक सब्जेक्ट एआई की प्रिपरेशन तो मेरे चैनल से कर सकते हो, व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ओके, हिंदी। तो ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या इन सब्जेक्ट्स की बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो एजुका जॉन के सैंपल पेपर से? जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना एजुका जॉन के सैंपल पेपर्स को, तो इनसे अच्छा और कोई नहीं है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस अगर इससे करोगे तो टॉप मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो जल्दी जाइए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो भी आपको शूट करेगा वहां से आप इसे परचेज कीजिए और जल्दी से स्टडी कीजिए, एंड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। इनके साथ में लिख देता हूँ, जैसे ये ए है, ये इज इक्वल टू है ये बी प्लस सी मल्टीप्लाई 5 सेमी कॉलन। तो यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू है ये ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक तो ये ऑपरेटर्स आ गए, राइट? और ये जो आप ए बी सी डी देख रहे हो, जो वेरिएबल्स हैं इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर बोलोगे, और जहां पर भी वैल्यू मिल जाए तो उसे बोले लिटरल। तो जो नॉर्मल लैंग्वेज में वैल्यूज बोलते हैं बस वो है लिटरल, आपको एज अ लिटरल याद रखना है। ओके, बाकी का ऑपरेटर्स भी हो गया, और जो सेमी कॉलन एंड ऑल है, सेमी कॉलन ब्रैकेट्स एंड ऑल, वो सब आ जाएगा आपका पंक्चुएटर्स में। तो वन बाय वन इनको डिफाइन कर लेते हैं कि इसके बाद पाइथन कीवर्ड्स। तो पाइथन कीवर्ड्स एक्चुअल में होता क्या है, तो ऐसे वर्ड जिनके बारे में पाइथन को पता है कि ये क्या है। ओके, तो वो पाइथन कीवर्ड्स में आएंगे। पाइथन कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड इन द पाइथन। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल और स्मॉल दोनों डिफरेंट हो पाइथन के लिए या किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो केस सेंसिटिविटी में आ जाता है। दैट मीन्स इफ एंड कैपिटल इफ आर डिफरेंट इन द पाइथन। दे आर 33 कीवर्ड्स इन द पाइथन, जैसे फॉल्स, क्लास, फाइनली, एज। ये क्या है, पाइथन को पता है कि रिटर्न का क्या मीनिंग है, नन का क्या मीनिंग है, कंटिन्यू का क्या मीनिंग है, फॉर का क्या मीनिंग है। तो जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इनके बारे में कंप्यूटर को पता है, तो ये एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने फॉर इज इक्वल टू 10 लिख दिया। आप ए इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो बिकॉज ए के बारे में कंप्यूटर को नहीं पता, बट फॉर इज इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते हो क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है। ओके, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। एंड देन इसके बाद हमारे पास आएगा
पाइथन आइडेंटिफायर कि पाइथन आइडेंटिफायर क्या होते हैं। जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो पाइथन आइडेंटिफायर में आता है। पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी और सो फॉर्थ। तो सो मेनी थिंग्स आ जाते हैं पाइथन आइडेंटिफायर में। सबसे पहले जो भी आपने अभी 2 वीडियोस में प्रोग्रामिंग की थी, तो उसमें जो आपने वेरिएबल बनाया था ABCD वेरिएबल, A=10, B=20, वो एक आइडेंटिफायर था, है ना। हम अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगा, लिस्ट आएगा, डिक्शनरी आएगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आएगा आपको पता चलेगा कि ये आइडेंटिफायर क्यों है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिर आ जाता है पाइथन वेरिएबल कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल 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 बहुत यूज कर लिया, मतलब पहले यूज कर लिया फिर हम उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा बाय यूजर। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल इज द क्वांटिटी विच कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये इरेज कर देते हैं ड्रॉइंग, है ना। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करती है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल में आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। अभी 10 है, फिर मैंने 20 डाल दिया, तो इट इज अ क्वांटिटी विच कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप वेरिएबल में एक बार वैल्यू फिक्स कर दिया तो ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स रहेगा, आप उसमें वैल्यू भी चेंज भी कर सकते हो। ओके, नेमिंग रूल्स फॉर आइडेंटिफायर और वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबर्स में आपने नाम लिख दिया वो वैलिड माना जाएगा। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वही यूज होगा तो ही वेरिएबल सही माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत कंसिडर किया जाएगा। आप A to Z यूज कर सकते हो, स्मॉल में, कैपिटल में, 0 to 9 यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। किसी किसी लैंग्वेज में डॉलर भी यूज हो जाता है, बट डॉलर यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। किसी किसी में क्या, मैं बता ही देता हूँ, जावा में डॉलर यूज हो जाता है, तो डॉलर यहाँ यूज नहीं करना। तो जो बच्चे जावा करते हैं और फिर पाइथन करते हैं वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, वो डॉलर वाला भी सही बोल देते हैं, तो वो नहीं करना है। आइडेंटिफायर वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट यू कैन यूज बट यू कांट स्टार्ट विद डिजिट। इट मीन्स आप A1=10 आप लिख सकते हो, तो 1 जो यूज हुआ है वो आफ्टर अल्फाबेट यूज हुआ है, लेकिन अगर आपने A1=10 कर दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये आप नहीं कर सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो है ये गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल। तो वो तो पहले से रिजर्व है, आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हो। ओके, एंड वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन साइन, एट द रेट, हैज, डॉलर और परसेंट साइन। जैसे कभी कभी नाम को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हैज टैग दे दिया, है ना, एट द रेट दे दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते हो, वैलिड नहीं माना जाएगा। इट कैन बी एनी लेंथ, तो आप कितना भी बड़ा वेरिएबल बना सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। एंड नोट द रूल्स फॉर राइटिंग अ वेरिएबल नेम आर सेम एज द रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। एक्चुअली अभी तो हम वेरिएबल के बारे में ही सभी रूल्स पढ़ लिए, अब आइडेंटिफायर में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे लिस्ट का वेरिएबल बनाना होगा, डिक्शनरी का वेरिएबल बनाना होगा, स्ट्रिंग का बनाना होगा। ओके, तो वो भी हमारे रूल्स सेम रहेंगे सभी जगह पर, जहां पर भी आपको अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करना है ना, वो यही रूल्स फॉलो होंगे। फॉलोइंग आर सम वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, इससे थोड़े से तो आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैंने लिखा है वैलिड वेरिएबल्स के नाम, ये सभी वैलिड है। नेम 1 यूज हुआ, वैलिड है। सैलरी वैलिड है, क्वांटिटी वैलिड है, अमाउंट, माई नेम, डेट, अंडरस्कोर यूज हो रहा है, नंबर्स यूज हो रहे हैं, तो दे आर वैलिड। ओके, आप अंडरस्कोर से यूज स्टार्ट कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी सही है, लेकिन ये वेरिएबल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डैश आ गया। अंडरस्कोर यू कैन यूज बट डैश यू कांट यूज। फिर यहाँ पर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए गलत है। फिर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ब्रेक यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एज अ कीवर्ड की तरह ट्रीट होगा। वैसे तो कैपिटल बी कर दिया तो ये मतलब कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल बी होता तो ये इनवैलिड है। ओके, क्योंकि कीवर्ड है एंड यहाँ डॉट आ गया, इसलिए रॉन्ग है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो जो मैंने मीनिंग बताए हैं उसके बेसिस पर ये लिख लेना ये क्यों रॉन्ग है। तो यहाँ तक हो गया थियोरी मटेरियल। अब थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, अब थियोरी उतना नहीं मिलेगा आपको 5th वीडियो में जितना अभी हमने दोनों वीडियोज में, दोनों लेक्चर्स में, लेक्चर 3 एंड 4 में थियोरी 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 किया। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स आए बट आपके सामने वो प्रैक्टिकल नहीं आया। अब क्या होगा, थोड़ा सा थियोरी होगा, सामने प्रैक्टिकल आ जाएगा, थियोरी होगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।